तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आई होप फ्रेंड्स सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे HSBT के नोटिस के रिगार्डिंग में। तो फ्रेंड्स, ये नोटिस HSBT बोर्ड ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे दे रखा है। गाइज, इस नोटिस में है क्या, जो आपका पेपर था 27 जैन का, उस पेपर को HSBT बोर्ड ने पोस्टपोन्ड कर दिया है। तो गाइज, उनको कैंसिल नहीं बोल सकते हैं, पोस्टपोन्ड कर दिया पेपर को, और आपका पेपर नेक्स्ट डेट को होगा। तो फ्रेंड्स, क्या कुछ है इस नोटिस में, मैं आपको नोटिस डाउनलोड करके स्टेप बाय स्टेप पढ़कर समझाने का कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, एंड बेल आइकन भी फ्रेंड्स प्लीज़ प्रेस कर देना, ताकि आपको इस तरह का वीडियो सबसे पहले देख पाओ नेक्स्ट टाइम में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इस नोटिस को डाउनलोड करता हूँ, जो 27 जैन को पब्लिश किया HSBT बोर्ड ने। तो गाइस, इस नोटिस को मैंने डाउनलोड कर चुका हूँ। इस नोटिस में दे रखा फ्रेंड्स, रीअपेयर पेपर टू बी हेल्ड ऑन 27/1/2021 इज पोस्टपोन्डेड। तो फ्रेंड्स, ये पेपर कैंसिल नहीं हुआ है, पोस्टपोन्ड हुआ है। गाइज, इनका जो पोस्टपोन्ड आज का पेपर हुआ, उनका डेट अभी HSBT बोर्ड ने क्लियर नहीं किया है। फर्स्ट पॉइंट है गाइज, ड्यू टू एडमिनिस्ट्री रीजन द पेपर रीअपियर एग्जाम हेल्ड ऑन 27 जैन आर हैरबी पोस्टपोन्डेड। तो फ्रेंड्स, जो आज का पेपर था, ओनली 27 जैन का पेपर ही पोस्टपोन्ड किया गया है। और सेकेंड पॉइंट है गाइज, द एग्जामिनेशन टू हेल्ड ऑन 28/1/2021 एंड ऑनवर्ड्स। जो फ्रेंड्स कल का पेपर होगा 28 जनवरी को, उनको ऑनवर्ड मतलब अपने समय पे होगा, अपने समय पे जो पेपर का टाइमिंग है उस समय पे ही पेपर लिया जाएगा। ओनली आज का पेपर पोस्टपोन्ड कर दिया है ड्यू टू HSBT, इन्होंने कारण दे रखा है, एडमिनिस्ट्री रीजन है गाइज, कुछ उनका रीजन होगा और कुछ किसान आंदोलन की वजह से। एंड फ्रेंड्स, कुछ नेटवर्क इशू है, बहुत जगह नेट क्लोज कर दिया गया है, NCR दिल्ली के आसपास, हरियाणा में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में। तो फ्रेंड्स, ये भी रीजन हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इसका डेट जब भी आएगा, मैं आपको सबसे पहले इस चैनल पे पब्लिश कर दूंगा। जब भी आज पोस्टपोन्ड पेपर हुआ, उनका डेट जब भी आए तो मैं अपडेट कर दूंगा। और फ्रेंड्स, आपका पेपर ऑनलाइन मोड में नहीं होगा, जो आज वाला पोस्टपोन्ड का जो पेपर है वो भी ऑफलाइन मोड में ही होगा, क्योंकि मेरे पास बच्चे का क्वेश्चन DM आया था टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप पे, कि सर आज का पेपर ऑनलाइन हो सकता है पोस्टपोन्ड, तो ऐसा कुछ चांसेस नहीं है, आपका पेपर ऑफलाइन ही होगा। डेट जब भी आएगा मैं नोटिफाई कर दूंगा। तो आई होप फ्रेंड्स वीडियो को अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। फ्रेंड्स, थैंक यू।